पॉपुलर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने सबको सदमे में डाल दिया है। दिग्गज नेता सोशल मीडिया पर दुख जता रहे हैं। 28 साल के सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। इंडस्ट्री से वास्ता रखने वाले कलाकारों ने सिद्धू को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी है। अजय देवगन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सिद्धू मूसेवाला की शॉकिंग डेथ से निस्तब्ध हूँ। ऐसी दुख की घड़ी में वाहेगुरु उनके चाहने वालों को हिम्मत दे। अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। कपिल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, सतनाम श्री वाहेगुरु, बहुत शॉकिंग और दुख देने वाली खबर है। एक उम्दा आर्टिस्ट और बेहतरीन इंसान, भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे। वहीं शहनाज गिल ने सिद्धू को याद करते हुए लिखा, किसी का जवान बेटा या बेटी इस दुनिया से चला जाए उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, वाहेगुरु जी मेहर करो। विशाल ददलानी ने लिखा, मैं सिद्धू मूसेवाला को सिर्फ उनके म्यूजिक के जरिए ही जानता था, फिर भी उनकी डेथ की खबर ने मुझे अंदर तक आहत किया है। इंडिया के पास बहुत कम ऑथेंटिक मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, सिद्धू उन सभी में से टॉप पर थे। मेरे पास शब्द नहीं है, वो एक लेजेंड है। उनकी आवाज, उनके जज्बे और शब्दों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कितना बुरा दिन है। म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट ने ट्वीट कर कहा, इस न्यूज से दुखी और स्तब्ध हूँ। सिद्धू अनमोल थे, हमारा गाना जल्द ही रिलीज होने वाला था, यकीन नहीं होता। अरमान मलिक ने लिखा, आर्टिस्ट और म्यूजिक कम्युनिटी के लिए एक बुरा दिन, रेस्ट इन पीस सिद्धू पाजी। गौहर खान ने ट्वीट किया, बेहद बुरा दिन, एक निर्दोष और टैलेंटेड आर्टिस्ट को खोने पर गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी। वहीं यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने ट्वीट कर लिखा, सिद्धू मूसेवाला की न्यूज सुनकर मेरा दिमाग सुन हो गया है। कुणाल कामरा ने ट्वीट किया, 28 साल के सिद्धू मूसेवाला रेस्ट इन पार, ट्रेजिक और दिल तोड़ने वाली घटना। एक्ट्रेस जरीन खान ने भी सिद्धू मूसेवाला की डेथ पर अपना दुख जाहिर किया। विकी कौशल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सिद्धू की सिग्नेचर लाइन यानी दिलदानी माड़ा लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंजाबी कलाकारों में जस्सी गिल, हिमांशी खुराना, गिप्पी ग्रेवाल और हनी सिंह ने भी सिद्धू को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी और पोस्ट शेयर किए। पंजाबी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस तान्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ये बेहद दुखद और शॉकिंग है, इतनी बड़ी क्षति, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मानसा ज़िले के मूसावाला गांव के रहने वाले थे। साल 2016 में वो स्टूडेंट वीज़ा पर कैनेडा शिफ्ट हुए थे, जिसके बाद 2017 में उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज़ किया था। सिद्धू का डेब्यू ट्रैक खासा पॉपुलर हुआ। उनका पहला एल्बम PBX भी कैनेडियन बिलबोर्ड पर चार्टबस्टर साबित हुआ। जट द मुकाबला, डॉलर, 295 और ईस्ट साइड फ्लो उनके पॉपुलर गानों में से हैं। बीती 15 मई को रिलीज हुआ द लास्ट राइड उनका आखिरी गाना था। शुक्रिया।